अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है पब्लिक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना गेम प्ले, हॉरर स्टोरी पार्ट टू। तो इधर हमारा गेम प्ले रुका था, स्टेयर्स में हम फंस गए थे। हमें जिसने ग्रैंड पा को उठाया था, उस सोल ने हमें भी अटैक किया था। तो मैं पकड़ा गया था, तो इस दफ़ा मैंने पकड़े नहीं जाना, अलमारी के अंदर चुप करके घुस जाना है मैंने, और अब मैंने नहीं निकलना बाहर जल्दी से। तो देखते हैं वो वाली रूह कहाँ पे है, बदरू है या रूह है, आई डोंट नो। आप देखना कमेंट सेक्शन में बताना कि ये बदरू थी क्या थी, भैंस की डंडी मेरे इतने पीछे क्यों पड़ी हुई है। मैं अपनी ग्रैंड माँ को ढूंढ रहा हूँ और ये ग्रैंड पा वाली बदरू मेरे पीछे पड़ी हुई है। ग्रैंड माँ का कोई पता ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव है मेरी केस, एक्सप्लोर द बेसमेंट। अब बेसमेंट को एक्सप्लोर करूँ या अपनी जान बचाऊँ, एक दफ़ा तो अपनी जान मरवा चुका हूँ, तो भाई डर लग रहा है कहीं ना कहीं से फिर ना आ जाए मनहूस, फिर मैं इसके अंदर घुस गया हूँ। कहते हैं ना, दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है, अपना तो वो हाल हुआ है। तो भाई ये क्या हो क्या रहा है, वो काली चुड़ैल कहाँ पे है, चुड़ैल नज़र आए तो मैं कुछ करूँ। करना क्या, मैंने अभी तो बेसमेंट को एक्सप्लोर करना है और मैं अभी से छुप के बैठ गया हूँ। तो भाई लगता है हमें जाना पड़ेगा आगे, हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये क्या करना है, इसमें क्या होगा, बेसमेंट के अंदर कोई ऐसा रास्ता है जो हमें नहीं पता, वो हमने रिवील करना है। तो हम बाहर आ जाते हैं, चलते हैं, ढूंढते हैं, ऊपर से तो कोई नहीं आया। ओ सामने सामने तेरी भैंस की डंडी, भाग 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 भाग, पकड़े गए भैंस की डंडी यार। और एक दफ़ा तो हमने कोशिश की है फिर से पकड़े गए। ओके ये कुर्सी कैसे हिलती है यार, ये क्या चीज़ है, क्या इतना ख़तरनाक हॉन्टेड चीज़ बनाई हुई है यहाँ पे। केस को साइड पे करते हैं, ये है, ये साइड पे हुआ, नीचे बैठ के आगे घुस जाते हैं उसके आने से पहले पहले। अब सामने सामने भाग भैंस की डंडी भाग, रुकी ना, मुझे कवर में छुपना पड़ेगा, इसको कवर चकमा देना पड़ेगा। और कवर के अंदर हम छुप गए हैं भाई साहब। ये देखो ये फिर रहा है यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हैं मुझे तो क्लियर नज़र आ रहा है, इधर ही कहीं पर फिर रहा है भाई। ये है क्या, ग्रैंड पा प्लस बैड सोल बदरू, बुढ़ा ग्रैंड पा, पता नहीं क्या है यार, ये छोटी बच्ची को नीचे भेज दिया डरने के लिए, जिसके लिए मैं आया हूँ वो नज़र ही नहीं आ रही। वो नानी कहाँ पे है, दादी है, नानी है, ग्रैंड माँ कहाँ पे हो, मुझे तो यही जान ही छोड़ रही मेरी। इसको गाइस हमने देखने नहीं देना, इसको चकमा दे के हमने निकलना है। इसे जाता है तो हम फिर जाते हैं आगे और फिर भागते हैं भाई। मेरे तो हाथ पैर पहले से कांप रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है आगे। ये चला गया, हेलो हेलो भाई, चले गए हो ना, पता चल जाए मुझे एक दफ़ा। तो लगता है वो चला गया, बाहर निकल के देखते हैं, इधर तो कुछ नहीं है, इधर से आया था, इधर भी देखते हैं, इधर भी कुछ नहीं है। ओके गाइस वो चला गया है, हम जल्दी के साथ इस कवर के अंदर छुप जाते हैं, दरवाज़ा खोल के भाग जाएंगे। ये हम कवर की, अब एक कवर के अंदर क्यों नहीं जा रहा, ये चला गया कवर के अंदर चले गए हम, वो मनहूस कहाँ पर है। ओके अभी तक तो नहीं नज़र आया, सामने से आ तो नहीं रहा लेकिन मेरे ख्याल में। ओके ओके ये अंधेरा हो गया, मतलब ये कहीं से आ गया, ये जा रहा है, जा रहा है वो भाई साहब, ये जा रहा है ओ भाई 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 भाई। जैसे ये लेफ्ट टर्न होगा हम निकल के भाग जाएंगे, कमरे के अंदर घुस जाएंगे भाई। ये क्या 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 क्या, चला गया जहाँ छुट्टी भाग भैंस की डंडी, रुकी हो ना रुकी हो ना रुके के, तो भाई कहानी ख़त्म। तो भाई साहब ये कहाँ आ गया, ये एक और बेसमेंट आ गई है, बेसमेंट के अंदर बेसमेंट भाई साहब। ओ भाई साहब ओ, ये आवाज़ किस चीज़ की है भाई, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, कोई कहाँ से आ रहा है। दरवाज़ा ओपन करके भाई घुस जाओ इधर, गाइस हम इधर आ गए हैं, एक्सप्लोर द बेसमेंट। अभी तक बेसमेंट ही मैं ढूंढ रहा हूँ, ये देखो बेसमेंट के नीचे एक बेसमेंट आ गई है और उसके अंदर से दरवाजे ही दरवाजे आ गए हैं भाई। ये है क्या और हो क्या रहा है हमारे साथ, कि गाइस ये एंड वाला दरवाज़ा ओपन हो गया, इसको अंदर चलते हैं, जाके देखते हैं इधर क्या सीन है, क्या सीन होने वाले हैं भाई 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 भाई, भाई ये क्या है यार, ये तो वैसे ही रूम है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ओके जहाँ ये क्या दरवाज़ा पर, ये कहीं और ले गए हैं हमें। ऑब्जेक्टिव अपडेटेड, एस्केप द लूप, लूप हम लूप में फंस गए हैं भाई। ये इधर से तो मैं गया था, अभी ये दरवाज़ा ओपन भाई, ये तो मैं इधर से ही क्या था, भूल भुलैया में फंस गए हम, दरवाजे ही दरवाजे भाई भाई, इधर से मैं गया था, अभी अभी हर चीज़ देख के गया हूँ मैं, फिर दोबारा चलते हैं इधर।
क्या है ये अब? ले फिर उधर फेंक दिया मुझे भाई। अच्छा ये एस्केप लूप, ये अपडेट हुआ है और हमने इसको तोड़ना है। पता नहीं कैसे तोड़ना है, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन यार ये बार बार एक ही जगह पे मैं कैसे फंस रहा हूँ? कोई दरवाज़ा ओपन, हाँ ये दरवाज़ा ओपन हो रहा है, बस ठीक है। ओ तेरी भैंस की डंडी, वो ये क्या निकला सामने से? ओ भाई वो मेरा दिल मेरे मुँह में आ गया भाई। ये लाना था भाई, ये भाई दरवाज़ों के पीछे भी कोई चीज़ छुपी। ओके ये थोड़ी पड़ी है, थोड़ी उठा लेते हैं। अब अगर कोई सामने से आया उसके मैं सर पे मारूंगा भैंस की डंडी। चड़ेल को इधर क्या करना, क्या है थोड़ी सी किसी चीज़ को मारना है क्या? ये तो पता चल जाए। दरवाजे ओपन हो रहे हैं, हथौड़ी का क्या कमाल है, मैंने थोड़ी का करना क्या है भाई? कोई समझ नहीं आ रही। एस्केप था लूप, लूप से तो मैंने निकलना था। दो तीन दफ़ा तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर चुका हूँ, फिर इधर एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। यहाँ कोई चीज़ ऐसी पड़ी है जो मुझे पता नहीं है, मुझे वो चीज़ ढूंढनी है। मेरे हाथ में अब हथौड़ी है, जो सामने आएगा पेल दूंगा पकड़ के। वो नाना बुढ़ा आया तो उसके अभी सर पे एक दूंगा, उसके सर में सुराख कर दूंगा मार के। भैंस की डूम है यार, ये क्या अजीब ड्रामा है, ये है क्या? हथौड़ी का क्या इस्तेमाल है मुझे ये समझ नहीं आ रही भाई। हथौड़ी का क्या करना है मैंने? ये हथौड़ी मुझे क्यों पकड़ा दिया? इधर से वो काली चुड़ैल आ जाएगी पीछे, ऊपर से एक लूप आ गया है भाई। लूप से बचूं, चुड़ैल से बचूं, मैं अब क्या करूं, मर जाऊं? मुझे तो ये इधर इधर कुछ है मेरे ख्याल में इधर। हेलो ये थोड़ी का क्या कमाल है ये तो बता दो मुझे गाइस। मुझे तो यही पता नहीं है थोड़ी का क्या कमाल है, मैं तो ये कमरे ढूंढ ढूंढ पागल हो गया भाई। किधर जाना है? हेलो भाई, हेलो भाई, इधर भी कुछ नहीं है। हेलो भाई, ये थोड़ी का क्या कमाल है मुझे कुछ पता नहीं है। किसी चीज़ को मारना है, ये पेंटिंग्स हैं, ये ड्राइंग्स हैं। गाइस हमने एस्केप था लूप करना था, लूप पता नहीं कैसे एस्केप करेगा। मेरे ख्याल में दोबारा उधर जाएंगे और एस्केप हो जाएगा, ये लूप जो एस्केप हो जाएगा मेरे ख्याल में, तो यही होना चाहिए। कर देते हैं। ओके गाइस हो गया एस्केप, तो मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।